हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं वाईफाई को क्यूआर कोड से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये टेक्नो का फ़ोन है और सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग पर। तो सेटिंग को क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके का ये आइकन दिखाएगा और यहाँ पर आपको दिख रहा है वाईफाई और भी सेटिंग्स हैं, इनके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन दिखाएगा, जो कि हमारा वाईफाई है वो बंद है। तो मैं यहाँ से इसे ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ऑन कर लिया है और ये जो डिफरेंट टाइप के जो नेम हैं वो वाईफाई के आ रहे हैं, इसमें से हमें पहचानना है कि हमारा वाईफाई कौन सा है। जैसे कि मेरा वाईफाई है टेंडा का, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मांग रहा है फ्रेंड्स। अब पासवर्ड तो मेरे को याद नहीं है, जैसे कि पासवर्ड तो हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आइस के साइड में आपको दिखा रहा है, ये देखिए इस तरीके का आइकन, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही ये देखिएगा, ये देखिए इसे बोलते हैं क्यूआर कोड। तो हमें पहले क्यूआर कोड निकालना होगा इसके लिए, यानी कि इसको सर्च करने के लिए। तो मैं दूसरा फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है और मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ क्यूआर कोड के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से दूसरा कोई फ़ोन लेना है, जैसे कि आप जो वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं वही वाईफाई उस फ़ोन में कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि और दूसरा भी कनेक्ट होगा तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें दूसरे वाले फ़ोन पर, जैसे जो कि ओप्पो का फ़ोन है, उस पर सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाते ही आपको इसमें भी इस प्रकार से वाईफाई नज़र आएगा, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मेरा इसमें भी टेंडा का जो है वो वाईफाई कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखा रहा है वाईफाई क्यूआर कोड, तो हम यहाँ पर इसे ऑन कर लेंगे और ये फिंगरप्रिंट मांग रहा है, जो मैं फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ। आपका भी इस प्रकार से ये पासवर्ड मांगेगा, तो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। जैसे कि ये क्यूआर कोड आ गया फ्रेंड्स, और मैं इसको टेक्नो के फ़ोन में सर्च कर लूँगा। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कर रहा हूँ, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर कनेक्ट का साइन आ गया और मैंने कनेक्ट का साइन जो है वो क्लिक कर दिया है। तो मैं ओप्पो के फ़ोन को साइड में कर देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है। इस प्रकार से हम क्यूआर कोड से वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं मेरा ये यूट्यूब जो है वो चल गया है, ये देखिए। इस प्रकार से हम भी अपने वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।